अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3। साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कल पढ़ा था। आज हम हमारे सामने जो पेज नंबर 7 है इस पे नेक्स्ट जो सिस्टम है उनको पढ़ते हैं। सबसे ऊपर जो है द नर्वस सिस्टम, ब्लू रंग में जो टॉपिक दिया है नर्वस सिस्टम, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, आसाबी निज़ाम। ये क्या होता है जी, द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। इंसान का दिमाग और इंसान में जो नर्व्स होती हैं जिनमें से ब्लड बहता है, नालियाँ छोटी छोटी, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम या आसाबी निज़ाम बनाती हैं। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ये जो नर्व्स हैं जिस्म में, ये हमारी तमाम जो हिसी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, इन सब को जो ऑर्गन डील करते हैं, कौन कौन से, साइट को आइज, और सुनने को हियरिंग को ईयर्स, और सूंघने को स्मेल करने को नोज, और इसी तरह टेस्ट करने के लिए टंग, और टच करने के लिए स्किन, ये सारे सेंस ऑर्गन हैं। ये जब भी कोई सिग्नल भेजते हैं तो नर्व्स के थ्रू भेजते हैं एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन, और ये जो नर्व्स हैं ये सिग्नल्स वहाँ से लेके, सेंस ऑर्गन से लेके कहाँ ले जाती हैं, दिमाग तक पैगाम पहुँचाती हैं, और फिर दिमाग जो है उसके मुताबिक हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है कि अब क्या करना है। ठीक है, मसलन अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छू गया तो सिग्नल नर्व्स के ज़रिए कहाँ जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन को पता चल जाएगा कि आपने गर्म चीज़ को छुआ है, आप फौरन उससे, ब्रेन आपको कहेगा कि हाथ हटा लो। तो ये बहुत पलक झपकने में काम होता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो बहुत अहम है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं कि गंदे मवाद को बाहर निकालने का निज़ाम, यानी कि जो कुछ हम खाते हैं वो जो यूज़फुल थिंग्स हैं वो फूड बन के हमारे जिस्म में इस्तेमाल हो जाती है, हमारा जिस्म उसे जज़ब कर लेता है, लेकिन बाकी जो वेस्ट है, जो फुजला है, उसको जिस्म से बाहर निकालना होता है, अदरवाइज जहर बन जाता है जिस्म के अंदर। तो ये इसके लिए भी एक निज़ाम मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, गंदे मवाद को बाहर निकालने का निज़ाम। Through the excretory system, we are able to get rid of all the waste products of the body. और ये बहुत अहम निज़ाम है, excretory system की मदद से हम इस काबिल होते हैं कि हम get rid of, छुटकारा पा सके तमाम गंदे मवाद से जो हमारे जिस्म में मौजूद है, उससे हम छुटकारा पा सके। The lungs get rid of waste air. फेफड़ों में जो हवा जाती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी हवा, बाकी जो ज़ाया शुदा हवा है वो फेफड़ों में से निकल जाती है। द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन, इस तरह हमारे गुर्दों में जो पानी जाता है वो अपना यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो पीछे रह जाता है पेशाब वो बाहर निकालते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं हमारे गुर्दे। एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट, और इसी तरह हमारी जिल्द जब उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है तो वो पसीने की शक्ल में, स्वेट पसीने की शक्ल में इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए जिस्म के अंदर मौजूद तमाम जो फुजला है, जो गंदा मवाद है, वो बाहर निकाल देता है। डियर स्टूडेंट, इसी पेज पे आप नेक्स्ट देखें, कॉन्सेप्ट चेक है, ये आपके लिए हल हुआ हुआ है, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। देर आर मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम्स इन द बॉडी, जिस्म में बहुत से हिस्से हैं, बहुत से निज़ाम हैं। मैच द सिस्टम्स और ऑर्गन टू इट्स फंक्शन, कॉलम ए की तरफ आपके सिस्टम लिखे हुए हैं जो आपके जिस्म में हैं, और दूसरी कॉलम बी में उन सिस्टम और ऑर्गन्स के क्या है,
काम लिखे गए हैं कि वो क्या काम करते हैं। पहला देखिए स्केलेटल सिस्टम, ए की तरफ देखें, स्केलेटल सिस्टम है तो उसको हम मैच करेंगे बी में। तीसरी जगह पे गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ इट। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क, कि ये जिस्म को एक ढांचा देता है एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ इट, और जिस्म के अंदर मौजूद पार्ट्स को की हिफाजत करता है। फिर दूसरा लफज ए में है ब्रेन, ये ऑर्गन है, ये क्या काम करता है। लास्ट में बी में, लास्ट में देखें द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये जिस्म का कंट्रोल सेंटर है, इनके जिस्म के सारे कामों को ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद ए में थर्ड सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, पट्ठों का निज़ाम है, ये क्या काम करता है। ये बी में दूसरे नंबर पे है वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम, ये स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है टू अलाउ अस टू मूव मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी जरिए जिस्म के बहुत से पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं। तो ये मस्कुलर सिस्टम का काम है। उसके बाद ए में लास्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हजम, ये बी में क्या करता है, बी में पहले नंबर पे कैरीज फूड थ्रू द स्टमक, ये मैदे में से खुराक को उठाता है, कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल्स, यानी कि ये जो हम खुराक खाते हैं उसको मैदे में और बाकी जो नालियां हैं उनके ज़रिए जिस्म में जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होती है उसको लेके जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए होता है। तो बेटा ये अपने पेज के ऊपर ही, अपने बुक के ऊपर ही, यानी कि इस पेज पे ये कॉन्सेप्ट चेक वाली एक्सरसाइज की मैचिंग जो है वो कर लेनी है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।